अमरोहा के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आए भाजपा के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अतुल कुमार गर्ग खामियां निकलने पर दी चेतावनी। जनपद अमरोहा के जिला अस्पताल का निरीक्षण आज भाजपा के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अतुल कुमार गर्ग ने किया। सबसे पहले मंत्री जी ने वार्डों में भर्ती मरीजों से जाकर पूछताछ की और प्रत्येक मरीज को 100 रुपए दिए। डिलीवरी हुई महिलाओं ने मंत्री जी से कहा कि यहां के डॉक्टर एक डिलीवरी केस पर 5,000 रुपए लेते हैं। ये सुनकर मंत्री जी ने तुरंत जिला अधिकारी अमरोहा से श्री उमेश मिश्रा जी से फोन पर बात की और जांच के लिए आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान एक मरीज महिला ने टॉयलेट का दरवाजा खराब होने की शिकायत की। देखने पर दरवाजा खराब पाया गया। ये सब देखकर मंत्री जी ने CMS डॉक्टर रामनिवास सिंह, CMO डॉक्टर मेघ सिंह को चेतावनी दी। फिर मंत्री जी ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां पर एक मरीज के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। क्या आपको खामी मिली? क्या ऐसा है कि मैं खामी ढूंढने नहीं आया हूं, मैं ये देखने आया हूं। इधर बताओ, जो कोविड के अलावा जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सब चालू है नहीं है। 30 से ज़्यादा कल एक्सरे हुए हैं, 4 ऑपरेशन हुए हैं, 10 या 11 बच्चा बच्चों के सीजरियन केस भी हुए हैं। इसका मतलब कोविड के साथ साथ बाकी सब सुविधाएं भी यहाँ पर चालू हैं। और यहाँ पर 63 केस आए थे, तो इसमें से 50 ठीक होकर चले गए कोविड के, तो 13 मरीज यहाँ पर। तो उसके लिए डॉक्टरों को भी धन्यवाद देना चाहिए।